गुड इवनिंग दोस्तों, हम लोग जो कक्षा 8 की जो गणित विषय पढ़ा रहा हूँ मैं, उसमें जो अपनी प्रश्नावली 1-2 कंप्लीट हो चुकी है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3, और उसका नाम क्या है, चतुर्भुजों को समझना। देखो, प्रश्नावली 3 में 3.1 शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है जो चित्रों पर आधारित है। जब तक आप लोग पहचानोगे नहीं कि चतुर्भुज क्या है, वृत्त क्या है, बहुभुज क्या है, तो आप लोग उनको हल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले इसका मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ कि चतुर्भुजों को, चतुर्भुज क्या होते हैं, इनको कैसे पहचानते हैं, कैसी कैसी आकृतियाँ होती है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। फिर आप 3.1 को आराम से हल कर पाओगे। देखो, चतुर्भुज को समझने के लिए सबसे पहले क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, एक पढ़ा रहा हूँ क्या है, बहुभुज। बहुभुज चतुर्भुज को पढ़ाने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुभुज। बहुभुज क्या होता है, देखो, बहुभुज कम से कम तीन या तीन से अधिक रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, बहुभुज। जैसे मैं तीन रेखाओं की एक आकृति बनाता हूँ, देखो पेन चलने में थोड़ी समस्या आ रही थी, इंक खत्म हो गई इसकी, तो देखो बहुभुज बता रहा हूँ मैं आपको। बहुभुज क्या होता है, तीन या तीन से अधिक, ये देखो ये तीन भुजाएं, तीन भुजाएं कौन कौन सी, इसमें 1, 2 और 3, ये तीन भुजाएं हो गई, तो ये क्या कहलाएगा, एक बहुभुज कहलाएगा। लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तो बहुभुज किसको कहते हैं, कम से कम तीन और अधिक से अधिक कितनी भी भुजाएं हो सकती है, उनसे घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलेंगे हम लोग, बहुभुज। दूसरी आकृति देखो, ये हो गई कितनी, 4 भुजाएं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चतुर्भुज। ऐसे ही आकृति बन जाएगी 5, ये 6 आकृति वाला बना दिया मैं, यानी 6 भुजाएं होगी इसमें। देखो ये एक कोना, ये एक, ये है एक, ये है एक, ये ऐसे 6 भुजाएं होगी, तो इसमें कितनी भी भुजाएं हो सकती है, इसको बोलेंगे हम लोग बहुभुज। तो बहुभुज को पहचान लोगे आप, तो हमारा बहुभुज ये तो हो गया बहुभुज। देखो जो बहुभुज होता है, बहुभुज भी दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक तो होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल। उत्तल और ये हो गया अवतल, ये हो गया बहुभुज। किसको आगे क्या लगा रहा हूँ मैं, बहुभुज। तो ये बहुभुज उत्तल और अवतल बहुभुज क्या होते हैं, उत्तल बहुभुज तो क्या होता है, देखो इधर जो साधारण हम लोग चतुर्भुज बनाते हैं ना, जिसके मतलब कोण 90 डिग्री से कम होता है, और अवतल बहुभुज में क्या होता है कि एक कोण क्या होता है, अंदर वाला कोण, एक कोण अधिक कोण मिलेगा आपको। जैसे अवतल बहुभुज में बना दूँ, जैसे ये देखो, ये त्रिभुज की जैसे ये है ना, तो इसके अंदर देखो, अंदर देखो पूरे कोण कितने हैं, न्यून कोण है, और यहाँ पे ये एक कोण है, ये एक कोण किस कहाँ जा रहा है, अधिक कोण जा रहा है, तो अंदर का एक कोण क्या होगा, अधिक कोण होगा। देखो इसमें और बना दूँ मैं, ये आकृति क्या कहलाएगी, ये भी उत्तल कहलाएगी, तो इसमें और बना दूँ, इसमें देखो अभी इसके अंदर फिर एक कोण क्या जा रहा है, अधिक कोण, ये देखो ये अधिक कोण जा रहा है, ये अधिक कोण से समझ सकते हो, ये देखो इसमें बिल्कुल क्या आएंगे, 90 डिग्री से पूरे कोण क्या आएंगे, कम आएंगे, तो ये कितनी भी आकृति वाला, कैसा भी आकृति वाला हो सकता है ये, तो ये बोलेंगे उत्तल बहुभुज। और अवतल तो आप लोग पहचान ही देंगे, अलग ही प्रकार से चलता है। इसमें देखो और भी बना सकते हैं हम लोग, ये देखो ये भी किस में आएगा, अवतल में ही आएगा। अब देखो मैं इसको बता दूँ, और इसके अलावा जो उत्तल और अवतल बहुभुज, ये विकर्णों के बारे में बता दूँ। विकर्ण क्या होते हैं, जो चतुर्भुज होता है हमारा, चतुर्भुज या बहुभुज जो भी होता है, उसके आमने सामने के कोण है ना, जैसे आमने सामने का इसका ये वाला, ये आमने सामने के कोण मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, इसकी विकर्ण कहलाएगी। अब देखो उत्तल और अवतल को विकर्ण की सहायता से समझ सकते हैं, कैसे, इसके जो विकर्ण होते हैं उत्तल बहुभुज के, विकर्ण क्या आएंगे, पूरे के पूरे विकर्ण अंदर ही आएंगे, और इसके भी देखो अंदर ही विकर्ण। लेकिन जो अवतल होता है, अवतल बहुभुज होता है, उसका एक विकर्ण कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। देखो एक विकर्ण यहाँ मिला दिया, तो दूसरा विकर्ण कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो इसमें भी देखो कोई विकर्ण बाहर जाएगा, ये विकर्ण बाहर चला गया, फिर ये विकर्ण बाहर चला गया, तो इससे क्या होगा कि एक एक विकर्ण कहाँ जा रहा है, इसका बाहर जा रहा है, और इसमें भी देखो ये विकर्ण में बाहर चला गया इसमें, और ये देखो ये अंतर आ गया। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं इसके अंदर क्या होगा, एक विकर्ण बाहर जाएगा और इसके अंदर पूरे पूरे विकर्ण अंदर आएंगे, तो ये हो गया अपना उत्तल और अवतल बहुभुज। और देखो बहुभुज में उत्तल अवतल पढ़ लिया आपने, अब देख लो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ सम बहुभुज, और एक पढ़ेंगे इसके साथ हम लोग विषम बहुभुज, विषम बहुभुज, कौन कौन से पढ़ रहे हैं हम लोग, सम बहुभुज और दूसरा
विषमभुज भुज। अब देखो संभव भुज और विषमभुज भुज क्या होता है, संभव भुज में क्या होता है कि तीन भुजाएं यानी तीन चार पाँच छः जितनी भुजाएं क्या आएंगी समान आएंगी, यानी ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये तीन भुजाएं क्या हो गई समान। देखो और आकृति बनाता हूँ मैं, ये देखो इसमें ये चारों क्या है बराबर, ये क्या हो गया संभव भुज। और बना लो ये देखो, अब इसमें सबके सब भुजाएं क्या होंगी समान होगी, उसे तो क्या बोलेंगे संभव भुज। और विषमभुज भुज है, विषमभुज भुज में क्या देखो इसकी देखो, अब ये भुजाएं, ये भुजाएं क्या हो गई आपस में, ये बड़ी है ये छोटी है। इसके अलावा और देख लो इसमें, जैसे ये पंचभुज बना लूँ मैं, ये देखो अब इसमें ये भुजाएं लंबी है, ये लंबी है, बाकी ये दो क्या है छोटी छोटी है। और ऐसे एक आयत वाला अपना आता है ना, उसमें देखो इसमें आमने सामने क्या है बराबर, आमने सामने क्या है बराबर, लेकिन क्या है चारों का माप क्या है अलग अलग है। तो जिसकी मतलब भुजाएं छोटी बड़ी हो समान है हो तो क्या कहलाएगा विषमभुज भुज, और जिसकी भुजाएं समान है वो है संभव भुज। तो ये जो चतुर्भुज, चतुर्भुज ही है ये भी क्या है एक तरह से चतुर्भुज। तो किसको बोलते हैं जो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, तो इसको क्या बोलते हैं चतुर्भुज बोलते हैं। और जो तीन या तीन से अधिक कितनी भी आकृति हो, चतुर्भुज भी एक बहुभुज ही है, तो वो क्या कहलाएंगे तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाएगी बहुभुज कहलाएगी। और बहुभुज का प्रकार मैंने आपको समझा दिया है, अब आप लोग इनको समझ लेंगे पहचानना सीख जाओगे तो अपनी जो 3.1 है उसको आसानी से कर पाओगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में 3.1, और ये था बेसिक।